हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र के बामनपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार की रात एक गन्ने के खेत में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गई। वहीं तेंदुए की आहट से जहां क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं लोगों में तेंदुए को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। दरअसल आहार की बामनपुर में स्थित किशनपाल सिंह के गन्ने के खेत में तेंदुआ पड़ा देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग भाग खड़े हुए और गांव पहुंचकर वन विभाग और थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम उपकरणों के साथ तेंदुए को पकड़ने पहुंची और मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि तेंदुआ मरा पड़ा था। कवल कुमार द्वारा मुझे अवगत कराया कि सर ऐसे इस तरह से बामनपुर में कोई हिंसक जानवर आ गया। मैं तुरंत अपनी टीम को लेकर के गांव बामनपुर पहुंचा। वहां जाकर के मैंने मौके का निरीक्षण किया। काफ़ी 25 मिनट निरीक्षण करने के बाद मैं सही नतीजे पहुंचा कि ये जो जानवर है ये मृत अवस्था में दिखाई दे रहा है। फिर हमने घेराबंदी की, जैसे तो सही तरह से ट्रोलने के बाद ये पता लगी कि मर गया है। फिर हमने उसको अपने कब्जे में लिया। वन अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि तेंदुए के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया है। वहीं क्षेत्र में तेंदुए की आहट से लोगों में दहशत का माहौल है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।